कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ग्लैमर BS6 बाइक है और इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो ये काफ़ी नुकसान हो गया था। तो अभी हमारे मिस्त्री सर जी इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं और इसको सीधा उधा करा के अभी लाए हुए हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि ये सीधा होने के लिए आया हुआ है, तो अभी हमने लास्ट में वीडियो बना रहा हूँ तो देखता हूँ कैसे सर ने इसको ठीक किया है, तो पता चलेगा। तो सर से कुछ पूछा जाए। हाँ, तो ये रहे हमारे मिस्त्री साहब और देखिए ये किस तरह से मेहनत करते हैं। सुबह के 7 बजे हैं और ये अभी काम कर रहे हैं, तो देखते हैं। सर पूछते हैं कि हाँ सर, ये गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो कितना लगभग खर्चा पड़ गया है? 1000 रुपया। क्या 1000 रुपये में सब कंप्लीट हो गया या? हाँ, शॉकर पाइप लगा दिए हैं, रेसर लगा दिए हैं, अंदर लगाए हैं। ओह, तो बहुत ही डुप्लीकेट लगाए हैं। ओह, तो इसलिए 1000 में हो गया। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, कम से कम डुप्लीकेट ही लगा के आप काम कर रहे हैं। और कुछ बोलना चाहते हैं आप तो ज़रा बताइए, और इसका में क्या क्या काम हो रहा है? सर देख रहे हैं कि बहुत हंसते हंसते हुए काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। देखिए गाड़ी का बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, अंदर में लाइट के अंदर में काम करते हैं और एयरफोन सब लगा के। चलिए अब देखते हैं फिटिंग कैसे करते हैं। देख रहे हैं कि अभी हमारे सर शॉकर को फिट कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल से शॉकर पाइप घुस रहा है। और ये देख लीजिए, मालिक 200 रुपये देता है और आप लोग, हम जैसे गरीब लोग का वीडियो बना रहा है, फ्री में वीडियो बना रहे हैं, हम भी पैसा नहीं देंगे। बताइए कैसे चल रहा है ये? भैया आप कुछ और बोलिए भैया, आप ऐसे में कैसे होगा बताइए थोड़ा। और आपको 200 रुपये मिलता है तो आप कैसे घर चला लेते हैं 200 में? साइड से चोरी करके रखते हैं ना। ओ, साइड से चोरी भी करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है कि आप चोरी भी करते हैं। तो दुकान में डाका डालते हैं कि ग्राहक का पॉकेट में डाका डालते हैं? 10 का 20 कर देते हैं। ओ, 10 का 20 कर देते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, 10 का 20 करके आप कम से कम काम तो सही कर देते हैं। पर आप जो बोले कि डुप्लीकेट सामान डालते हैं, तो बात सही है कि बस मजाक कर रहे हैं? जैसा कस्टमर वैसा सामान। ओ, मतलब जैसा कस्टमर वैसा सामान, मतलब अगर कस्टमर थोड़ा सा ज़्यादा हेड़ पेड़ करेगा तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बिल बना दीजिए, बस यही ना। चलिए बहुत अच्छा करते हैं, कोई बात नहीं है, इतना होना भी चाहिए। क्या है कि ग्राहक लोग भी होते हैं कोई कोई, जो बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं कि क्या लगाया है, कैसे लगाया है, तो उन लोग के साथ में वैसे ही लगता है। और जो अच्छे रहते हैं तो उनके साथ में अच्छे से व्यवहार भी होता है और सामान भी अच्छा ही मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मैकेनिक के पास जाएं तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, सीधे सीधे अच्छा से प्यार से बात करें और उनसे अच्छा से काम निकलवाएं। तो क्या बोले सर अभी? महेशमती बोले, महेशमती वाला तो काम नहीं चल रहा है, यहाँ बाइक का काम चल रहा है, तो जिसे देख रहे हैं। हाँ सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रेंज भी बहुत अच्छा है आपका। हाँ चलिए, तो देख रहे हैं अभी मुडगार्ड भी फिट हो चुका है और ये पुराना ही मुडगार्ड लगाया जा रहा है थूक पॉलिश करके। हाँ तो सर, इसको आप कैसे, पुराना ही मुडगार्ड लगा के आप नया का रेट कैसे लीजिएगा ज़रा बताइए। ओह, आपका देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पुराना ही है, थोड़ा स्क्रैच हो गया था, उसको कलर मार के मेंटेनेंस कर दिया गया है। तो अच्छा लगा इनसे मिलके कि काम अच्छा तरीके से करते हैं, भले डुप्लीकेट सामान लगाए पर फिनिशिंग अच्छा दे रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ में प्रोग्राम को अब ख़त्म करते हैं और इसके बाद चेकअप फिटिंग तो हो जाएगा, वो तो नॉर्मल ही है चेकअप फिट करना। तो अगर वीडियो में आपको मज़ा आया और अच्छा लगा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा नए हैं तो, और लाइक कीजिएगा। और कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट भी कीजिए ताकि हम लोग को हौसला बढ़े और अच्छा अच्छा वीडियो बनाएँ ताकि आप लोग मज़ा लेके वीडियो देख सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।